सबसे ज्यादा डिस्कशन सुशांत के बारे में आ रहा था। इस बात को लेकर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम इन रिपोर्ट्स में क्यों ज्यादा लिया जा रहा है, तो इसको लेके वो बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। मैं सुबह उठ के सिस्टम में अपने स्टूडियो में चला गया था। स्टूडियो हम लोग नीचे वाले फ्लोर में कॉर्नर में हमने पीसी लगा के हम अपने अरेंजमेंट करा था ताकि हम लोग वहां से काम कर सके। तो मैं आके वहां पे बैठा और मैं कुछ गाने सुन रहा था, वीडियोस देख रहा था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं मैं क्या एक्चुअली देख रहा था, लेकिन केशव आके मुझे बताते हैं कि सर का दरवाजा अंदर से बंद है। तो तब से लेके हमने बहुत कोशिश करी कि सर को हम लोग ये इसमें पे विचार रहे थे कि सर अंदर शायद सो रहे होंगे या फिर उनको मूड ऑफ होगा, उनको स्पेस चाहिए होगा हमसे, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग उनको बीच बीच में रुक रुक के हम उनको नॉक कर रहे थे। मैं हम लोग बाहर से आवाजें दे रहे थे सर को, सर सुशांत सर प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल के सो जाओ। फिर मैंने अपने फोन से सर को फोन करा, बहुत सारे चीजें करे, और मैंने सुशांत के सिस्टर से भी बात कर लिया था बीच में कि उन्होंने बोला कि पूछा सुशांत के बारे में कि सुशांत कैसा है, उन्होंने नाश्ता करा है। तो मैंने बोला कि मैम सुशांत का दरवाजा तो लॉक है अंदर से, हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमको थोड़ा लाइक डर लग रहा है, जल्दी आ जाओ। फिर जैसे थोड़ा टाइम रुका हम, फिर लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत हमने चाबी वाले को बुलाया और चाबी वाला आके दरवाजा खोला और हम देन वी डिस्कवर द सुशांत इन दैट स्टेट। मैम झगड़ा का तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन रिया रिया के घर के जाने के बाद उनके सिस्टर घर पे आए थे उनका ध्यान रखने के लिए, और जब दिशा का न्यूज जब उनको पता चला वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अलॉट। तो उनके मेंटली वो बहुत ऐसे स्ट्रेस में आ चुके थे और बहुत रो भी रहे थे। तो वो सब उस टाइम में हमने सब घर वाले उनको उनको साथ दिया था हमने। मैम इस बारे में कुछ आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये जो घर है ना, 2 फ्लोर का घर है, और जो भी कॉन्वर्सेशन होता हुआ था वो सुशांत और रिया के बीच में हुआ था, और उन्होंने क्या कॉन्वर्सेशन करे हैं, बात करा है, झगड़ा करा है, उसका कोई मुझे आइडिया नहीं है। मुझे नहीं, आई आई डोंट कमेंट ऑन दिस बिकॉज आई एम नॉट इन्वॉल्व इन सुशांत पर्सनल लाइफ टू सो मच। रूम मैम रूम पार्टनर में मैं उनके 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 घर में एक स्टाफ की तरह मैं रहा हूँ, क्रिएटिव डायरेक्टर आप मुझे बोल सकते हो कि एक मैं उनके घर में स्टाफ था, लेकिन सुशांत सबके साथ बहुत ही रेस्पेक्टफुली हम वो रहते थे और उनको उन्होंने मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करा बस। उस दिन हमने कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी तो कुछ नोटिस नहीं किया क्योंकि सुशांत ने हमको बोला था कि कोडिंग सीखने के लिए, तो हम सब मैं तो अपने काम में थोड़ा बिजी था और जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ था और रिया और सुशांत के बीच में ही हुआ था, और घर घर का पूरा नथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी दैट टाइम। ओनली थिंग दैट व्हाट आई नोटिस रिया लीविंग सडनली, एंड उन्होंने मुझे बोला था कि सर का ध्यान रखना, मैं आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, एंड इफ यू नीड मी आई विल बी बैक बिकॉज आई एम गोइंग टू जून टू माई पेरेंट्स। मैम सिंस देवर लिविंग टूगेदर इन द हाउस, और जो भी डिसीजंस लेने थे रिया और सुशांत ही लेते थे क्योंकि हम लोग वो उतना हमको फ्रीडम नहीं था कि हम लोग खर्चा मतलब में कुछ से हो, क्योंकि दे वर द मेन पीपल इन द हाउस सिंस दे हैव टेकन द चार्ज ऑफ यू नो
टेकिंग केयर ऑफ द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द कोविड सीजन, क्योंकि मैं जनवरी में सुशांत के पास वापस आया था, जनवरी से मैं अभी तक रहा और लॉकडाउन में पूरा हम साथ में ही थे, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो चीज करने का, क्योंकि सुशांत वॉज अलोन एंड वी वर देयर टू जस्ट हेल्प हिम आउट इन दिस वर्क एंड यू नो लाइक ओनली सर्टेन थिंग्स, बिकॉज मैं तो एक छोटा सा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आई डोंट नो व्हाट हिज रिक्वायरमेंट्स आर. Riya, I'm the house manager and everybody were taking care of all those things. Dawaiya, because since he's a celebrity, they never go to the district. Only hum log apne kaam like doctor ko bhej dete the. Prescription hamare paas hamesha hota tha. We only those are prescribed medication given by a doctor. नहीं नहीं हम मतलब वो करते थे, उनको प्रिस्क्रिप्शन दे देते थे नौकरों को, तो नौकर जाके शॉप से लेके आता था. दुर्गा पूजा हुई थी घर में उस टाइम पे, मैं था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था वो पूजा को लेके, इट्स देयर पब्लिकली ऑनलाइन, इट्स देयर ऑन इंस्टाग्राम. पहले करवाया था नहीं ना, मेरे सामने तो एक ही पूजा हुई थी एंड पूजा का ऑर्गेनाइजेशन को व्यवहार संभाल रहा था, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वर में था अपना. विशाख को के इंसिडेंट को लेकर जिस दिन मैंने देखा था वो बहुत ही ज्यादा, मैं तो बहुत ही घबरा गया था, जैसे जिस तरह से वो बात कर रहे थे अपने सिस्टर के साथ और रो रहे थे. और जिस दिन सुशांत ने वो मैसेज आया न्यूज़ नेटवर्क का, जो वो लाइव ऐप्स होते हैं ना जहाँ पे न्यूज़ अपडेट्स आते हैं, तो वैसे ऐप्स में उन्होंने पढ़ा कि सुशांत सिंह राजपूत मैनेजर सुशांत दिशा सालियन कमिट सुसाइड, तो इस देखे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे. जो न्यूज में उन्होंने पढ़ रहे थे ना, जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था अपने फोन में, सुशांत अपने फोन में पढ़ रहे थे, सबसे ज्यादा डिस्कशन सुशांत के बारे में आ रहा था. इस बात को लेकर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम इन रिपोर्ट्स में क्यों ज्यादा लिया जा रहा है, तो इसको लेके वो बहुत ही ज्यादा चिंतित थे. और इस बात को उन्होंने अपने सिस्टर को भी बताया, उस टाइम उनके सिस्टर नीतू जी थे उनके घर, तो मीतू दीदी ने सुशांत को बहुत कंसोल करा है उस टाइम पे. मुझे लग रहा है कि जितना जल्दी हो सके पूरा सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत लोग इसमें सुशांत के बहुत करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स को बहुत एंग्जाइटी और प्रेशर हो रहा है, और पर्सनली मुझे भी बहुत ऐसे थ्रेट्स वगैरह मिल रहे हैं. I've gotten around 1,000 messages from Sushant's fans, and you know Sushant's fans mostly like accusing me of you know lot of things and giving me death threats, and you know I don't know ki wo Sushant ke real fans hai ya fir wo public apna gussa uta rahi hai, lekin mere pe upar bhi bahut zyada wo log gussa jata rahe hain. Main unko bas yahi appeal karta hu ki thoda please space de do humko, aur let the lord the system do its job.